बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल समेत सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया। सीएम नीतीश की इस इफ्तार पार्टी का बीजेपी ने विरोध किया और जाने से साफ मना कर दिया। बीजेपी की दलील है कि बिहार दंगों में जल रहा है, कानून व्यवस्था ठप है और सीएम इफ्तार दे रहे हैं, ऐसी इफ्तार में हमें शामिल नहीं होना। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी इफ्तार पार्टी दे रहे हैं और हमारे जिले में हमारे लखीसराय के अंदर आज सवेरे एक पवन जी की हत्या कर दिया गया, जहां खुल करके हत्या अपहरण लूट बलात्कार हो रहा है, दंगा हो रहा है, बिहार जल रहा है, हम वहां इफ्तार मनाएं। बीजेपी के विरोध का जवाब देते हुए जेडीयू प्रवक्ता राहुल कुमार ने कहा कि जो लोग इफ्तार पार्टी का विरोध कर रहे हैं असल में वे ही दंगाइयों के साथ हैं। इफ्तार पार्टी का विरोध संवैधानिक संरचना का विरोध है। संविधान में हर जाति हर धर्म के लोगों को समान अधिकार मिले हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के पहले से भी ये परंपरा चलती आ रही है और उन्होंने भी इस परंपरा को जारी रखा और नीतीश कुमार भी इस परंपरा को जारी रखना चाहते हैं। ये लोग सभी समझते हैं कि देश में अगर राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखना है तो सभी जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार देने होंगे, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग दंगाइयों के साथ हैं। उनको दंगा में विश्वास है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दंगाइयों का ना कोई जाति होती है ना धर्म होती है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी 9 अप्रैल को इफ्तार का आयोजन कर रही है, जिसके दावतनामे पर बॉयकॉट इफ्तार पार्टी लिखकर शेयर किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बिहार का एक भी नेता #बिहारशरीफ और #सासाराम उसकी हालत देखने नहीं गया, चाहे वो मंत्री हो या मुस्लिम विधायक, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हो या बफ और मदरसा बोर्ड का चेयरमैन। वहां 125 साल पुराने मदरसे को जलाया गया, मस्जिद कब्रिस्तान सब जगह आगजनी हुई है, बड़े बड़े होटल और शोरूम तबाह हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम में नफरतों की आग भड़क गई है। For watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.